नमस्कार प्रणाम, हम अमितेश कुमार सिंह, रउआ सब देखत नहीं बिहारी बॉस न्यूज। तो आज हम मौजूद बानी रघुनाथपुर प्रखंड के हरनाथपुर गांव, और एजा SPL के द्वारा बहुत ही शानदार एगो टूर्नामेंट के आज आयोजन कल गई बाटे। और आज एजा के जन पैक्स अध्यक्ष बानी वहाँ के तरफ से उद्घाटन करके मैच के शुरुआत कल जा रहा बा। और देख सकतानी तमाम जन लोग बाटे, जितना भी खिलाड़ी आए बड़न सब लोग से एजा हाथ मिला के खेल भावना से खेले खातिर आग्रह कल जाता है। और देखी तमाम ग्रामीण लोग बा सब लोग से जाने के चाहे मैच के लेके। सबसे पहले बानी एजा के जन पैक्स अध्यक्ष बानी रवि रंजन सिंह जी, यहाँ के लेके आज मैच के बारे में भी जाने में सन का हाल चाल बटे। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत मतलब सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में इसमें बच्चे द्वारा और प्रदीप जी जो है बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और प्रदीप जी जो है मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि बच्चे और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाओ तो प्रदीप सर जन बानी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कार्यक्रम कराओ रहनी जौन में समाज में अच्छा मैसेज दो। अभी तुरंत पर्यावरण के लिए पेड़ लगाने का काम हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, चाहे बच्चों को खेल कूद में काम हो, हमेशा लगे रहते हैं। और मेरी शुभकामना है कि और आगे बढ़े प्रदीप जी के नेतृत्व में, और गांव में बच्चे आगे बढ़े। और वह लोग भी हमें भरपूर सहयोग करें। हम लोग तैयार हैं और भी आगे बढ़े, उसके लिए जो भी सहयोग हुआ हम लोग तैयार हैं। और आज के जो मैच हो रहा बटे कहाँ कहाँ के बीच हो रहा बा? आज रघुनाथपुर और नदियाँ पतियाओं के बीच में हो रहा है। नदियाँ पतियाओं जी, जी, जी। मैच कितना ओवर के हो रहा बा? बारह ओवर का। बारह जी जी। और भी मौजूद बानी गांव के जन मौजूद वालों सब लोग से जाने के साथ मैच के लेके क्या लगा था आज के जौन मैच जौन नदियाँ और कहाँ रघुनाथपुर के बीच में हो रहा बटे? जी हाँ। और 12 मैच के ओवर बटे? 12 ओवर के। 12 ओवर के कई गो टीम में भाग ले भैया? 8 गो। 8 गो टीम? 8 गो गाँव के टीम में। कंटिन्यू मैच हो की 8 गो 8 दिन मैच हो की? ना ना 4 दिन मैच हो, और बस सेमीफाइनल हुई फाइनल हुई। फाइनल हो की? जैसे कि देखल जाओ तो हमने सन के ग्रामीण क्षेत्र से आवे निशान, और ग्रामीण क्षेत्र में उतना तक खेल के लेके देखल जाओ तो कोनो ग्राउंड नहीं के, फिर भी हमने सन के ग्राउंड पे जाना मिले ला पे बहुत ही शानदार प्रैक्टिस रहने काल मेहनत कल गई बा। यहाँ गाँव भर के लड़का सन के जुटा के मेहनत करावल गई बा, तब जाके ग्राउंड तैयार भइल बा। और पिच भी तैयार करे में बहुत मेहनत भइल बा। हमनी के मने खेल खातिर तो अपन कोनो पर्सनल ग्राउंड नहीं के, जब खेत खाली होला तब आदमी खेला शुरू करेला। तो हर साल ये मई जून के महीना में जब गेहूं वहूँ कटा जला, सरसों सर कटा जला, तब हमने संग आके इस ग्राउंड पे खेल। जी जी जी। और हर साल ओकरा बाद बैठ जानी सर हमने संग बाद, तो फिर पानी आ जाए तो हमने खेले बंद हो जाए। एक युवा बानी और हम जहाँ भी जाता नहीं क्रिकेट ग्राउंड पे, तो जरूर मांग करता नहीं कि देखल जाओ तो हमने के यहाँ एक भी ग्राउंड नहीं के जहाँ हमने संगे जाके हमने के यहाँ के युवा जाके मैच खेल का लगा था। केकरा से केकरा का मांग करे के चाहिए जो हमने के पूरा हो सको? अपना यहाँ तो प्रखंड लेवल पर ग्राउंड नहीं है, तो हमने गाँव लेवल पर क्या मांगी सन? कम से कम प्रखंड लेवल पर ग्राउंड कर दे लो, बाद नु गांव लेवल पर करी सरकार। हाँ। सरकार के पर ध्यान देवे नहीं के ना, प्रखंड लेवल पर भी खेले लायक ग्राउंड नहीं के। सरकार से का कुछ मांग करे? सरकार से मांग बा जे कि हर एक गांव में एगो ग्राउंड होके, जैसे हरियाणा पंजाब में बावे, और से हमनी यहां भी व्यवस्था होके वो टाइप के। जी। और देख सकता नहीं गाँव के और जन जन HPL बाटे ओकर जन वॉलेंटियर लोग बा, स्वयं सेवक लोग बा, बहुत ही तैयारी के साथ एजा जन चुना होना बा बाउंड्री के सजा रहा बाटे लो। जौन HPL के जन संचालक लोग बा लो, एजा हमनी सन के साथ प्रदीप सर बानी और साथ में मनीष भाई बाड़न, ये दोनों जने के देखा जाओ तो दोनों आदमी के ही नेतृत्व में HPL एगो मैच खिलावा जा रहा बा, बहुत ही शानदार टूर्नामेंट खिलावा जा रहा बा। और हमनी के साथ प्रदीप सर बानी, यहाँ के सबसे पहले हाल चाल जाना, क्या हाल चाल बा सर? बहुत बड़ा योगदान है सर। बढ़िया बा अमितेश जी, शुक्रिया। और ये टूर्नामेंट जे मनीष भाई बड़े ये काफ़ी दिन से कहत रहा हन कि मैच करावल जाओ, तो हम ही सहयोग कहनी कि चलो बढ़िया बात बा, तो आज मनीष भाई आज टूर्नामेंट का आयोजन शुरुआत करवा दिले बड़े, कहीं ना कहीं एगो सहयोगी के रूप में यहाँ के रहुआ काम कर रहा बड़े। बिल्कुल बिल्कुल अमितेश जी, आई क्रिकेट के बहुत प्रेम कर लेन आ बहुत स्नेह रख लेन क्रिकेट से, इनका दिल में रहा कि टूर्नामेंट आरम्भ करावल जाओ, तो आज शुरू कर दिले बड़े अमित मनीष। देखल जाओ तो सर, देखल जाओ तो जौन भी चीज़ होखेला रहुआ सामाजिक चीज में बहुत ज़्यादा भूमिका निभावे नहीं, अभी पर्यावरण के लेके जागरूकता अभियान भी चले ले रही है, का कुछ देखल जाओ तो लोग के अंदर का कुछ जागरूकता मिले ला? जी अमितेश जी, विचार बा हमार कि लोग के जागरूक कर जाओ। 5 जून के पर्यावरण दिवस रहा, मनोरमा गुरुकुल के बच्चा के द्वारा कार्यक्रम रखल गिर पेड़ लगावे के, तो कुछ कोशिश कर जला हमेशा अच्छा मैसेज समाज में दियाओ।
और देखल जाओ तो आज मैच के शुरुआत रहा सब मैच के शुरुआती देखल जाओ तो आज रघुनाथपुर और नदियाओं के बीच में खेल जा रहा बा आठ गो मैच खेले जा रहा बा कहाँ कहाँ के मैच अभी कल होके जा रहा बटे अब इस सब आयोजन मैच के रखल गई भाई मनीष बात बताई हाँ मनीष से हम जाने के चाहे जो आठ गो मैच होके जा रहा आज लीग मैच रहा सटे रघुनाथपुर और नदियाओं के बीच में खेल गई आज के मैच के बाद से कल जो मैच होके जा रहा कौना कौना टीम के बीच में हो धन्यवाद अमितेश भाई आपका कल का मैच निकती और ये क्या बोला था रामपुर के बीच होगा कल का मैच निकती और रामपुर के निकती और रामपुर आठ गो टीमें में भाग ले कहाँ कहाँ के टीम आ रहा भी है में निकती कणसड़ रघुनाथपुर अमवारी एक हरनाथपुर खुद का टीम है हम लोग भी क्रिकेट प्रेमी हैं तो खुद का भी टीम रखे हैं भी एक टीम भी हाँ हरनाथपुर एक टीम भी ओकरा बाद शिशोवा भी मतलब देखा जाए तो जितना भी ग्रामीण क्षेत्र के जो टीम भी है युवा बड़ा वे लोग में खेल में भाग ले रहा बा हाँ हाँ युवा लोग के प्रतिबद्ध हम घूम घूम के खेले नहीं तो कहीं ना कहीं दिल में रहेला कि हाँ अपनों गाँव में ऐसा वैसा आरम्भ करावल जाए टूर्नामेंट का एचपीएल भी अटे पहला मैच खिला रहा बटे कि एक पहले भी मैच खेले नहीं नहीं हरनाथपुर में हमेशा मैच होता रहा हरनाथपुर में देखिए हरनाथपुर में एक नाम एरिया के नामी जामी गाँव रहा है क्रिकेट में बहुत दुरंदर दुरंदर बैट्समैन से समीर पांडे हमारा डब्ल्यू भैया मतलब बहुत प्लेयर निकले हरनाथपुर से तो मतलब हरनाथपुर पहले ही से ही दीवाना क्रिकेट के तो हमेशा होता रहा इस साल भी फाइनल के डेट रखल बा कि ना फाइनल के डेट रखल बा 10 तारीख के फाइनल 10 तारीख के फाइनल 10 तारीख के फाइनल देख सकता नहीं अभी हम मौजूद बानी जो हरनाथपुर गांव बटे और देख सकता नहीं जो तमाम कही जा लोग बटे तमाम दर्शक भी आयल बड़ा सब लोग से जाने के चाहे मैच के लेके मैच देखे कैसा लगा था बहुत बढ़िया हमारा भी योगदान बहुत रहे मैच में आज तक हम खेत में जितना कुदारी ना चलैनी उतना कुदारी फील्ड के बनावे में हम मेहनत कैनी घर से हमनी के जैसे पढ़े लिखे वाला लड़का बनी जा तो गाली सुने के भी मिलल कि एक नी के ये धंधा बा लेकिन जैसे हम क्रिकेट के तो खेले के ना जाने नी लेकिन क्रिकेट प्रेमी बानी तो मेहनत करके अपना छोट छोट भाई बंधु के लेके और क्रिकेट मैच के उद्घाटन खातिर कहीं सहयोग कहीं नहीं है हाँ शारीरिक सहयोग से लेके आर्थिक सहयोग हमारे रहले में बाकी आज के मैच देख के बहुत मजा आई आगे भी फाइनल बा और भी मजा देखे के मिली रहा लोग के सब भी देखे जी कल जाओ तो सही बात यहाँ के कहानी है कि हमनी सन के घरे जितना काम करी सन चाहे ना करी सन लेकिन अगर खेल के बात हो ना तो हमनी सन के खेत का हमनी के कुछ भी कोड़ देम सन ताजी भी मौजूद बाटे तो देख सकता नहीं ग्राउंड बनाए में मेहनत तो लगबे करेला और मेहनत के साथ साथ हम निशान के शारीरिक रूप से मेहनत बहुत ही शानदार होखेला और हर जगह कर निशान तो देखल जाओ तो जन एचपीएल मैच बटे बहुत ही शानदार मैच खिलावल जा रहा है हरनाथपुर के तरफ से रउआ सब लोग भी अभी तक मैच में नहीं खेल तो जरूर आई और आके मैच का आनंद ली 10 तारीख के फाइनल बटे 10 तारीख के फाइनल के दिन भी आई और वह सब लोग देखिए लगातार बिहारी बॉस ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा बा जय हिंद जय भारत।